नेक्स्ट टॉपिक इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, जो अब तक हमने स्टडी किया, जो इनहेरिटेंस का जो टाइप था दैट इज न्यूक्लियर। ठीक है, हमारा जो क्रोमोजोम था जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट था, और इस टाइप के जो इनहेरिटेंस को हमने नाम दिया न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस मेनली प्रोसेस होती है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है, इसमें हमारा जो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इन्वॉल्व नहीं होता, इनहेरिटेंस। जो हमारा सेल्स का साइटोप्लाज्मा होता है, ठीक है, ये हमारे सेल है एंड दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके साइटोप्लाज्मा में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दैट इज लाइक प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दैट हैव देयर ओन डीएनए। ठीक है, ये जो डीएनए पार्टिकल होते हैं, इनके थ्रू हमारा जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ओके, नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन, जो हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, इसमें क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग बाय मीन ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, बाय मीन ऑफ साइटोप्लाज्मा। ठीक है, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है, इसमें न्यूक्लियर इनहेरिटेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो साइटोप्लाज्मा का होता है। साइटोप्लाज्मा में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और उनके ट्रांसमिशन होने से ही हमारे जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होते हैं। ओके, इसलिए इस प्रकार का जो इनहेरिटेंस होता है उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मीन्स अदर देन न्यूक्लियर पार्ट आर इन्वॉल्व इन इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल एंड नॉन क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस। ओके, ठीक है, जो हमारा साइटोप्लाज्मा होता है उसमें कुछ जीन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्लाज्मोजेन। और इन प्लाज्मोजेन्स को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोन। ठीक है, प्लाज्मोन। और ये क्या करते हैं? ये जो करैक्टर के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, इसकी डिस्कवरी किसने की? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की जो डिस्कवरी की थी वो साइंटिस्ट था कार्ल कॉर्न्स। ठीक है, इन 1908। नेक्स्ट आता है, जो हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है उसके एविडेंस क्या है? ठीक है, कि जो हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर का वो साइटोप्लाज्मिक है, नॉट न्यूक्लियर। ठीक है, एविडेंस इन फेवर ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। देखो, जहां पर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है उस इनहेरिटेंस के फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक थे लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज रेसिप्रोकल क्रॉस।
जब हम न्यूक्लियर इनहेरिटेंस देखते हैं, मींस जो हमारा सिंपली इनहेरिटेंस प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, यदि हमारे पास दो पेरेंट्स है विद डिफरेंट कैरेक्टर, ठीक है, मेल एंड फीमेल विद डिफरेंट कैरेक्टर, और यदि हम इनका क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, हमको जो ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन होगा दैट इज इन F1 जनरेशन। ओके, एंड रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल क्रॉस में होगा क्रॉस, इसमें जो ऑफस्प्रिंग आएगा, ठीक है, उसके कैरेक्टर मींस हाइब्रिड कंडीशन में आएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होगा, जो हमारे फीमेल का कैरेक्टर था उसको रिवर्स कर दिया गया, और जो मेल का कैरेक्टर था उसको भी रिवर्स कर दिया गया, मींस इन दोनों के कैरेक्टर को एक्सचेंज कर दिया गया, ठीक है। हमारी जो फीमेल होगी नेक्स्ट, दैट इज कैरेक्टर विद जो हमारे फर्स्ट क्रॉस था उसमें जो पेरेंट्स मींस फादर के पास जो कैरेक्टर था वो फीमेल कंटेन करेगी, और जो मेल होगा वो फर्स्ट क्रॉस में जो फीमेल के पास कैरेक्टर था वो मेल कंटेन करेगा, ठीक है। और हम इनका जो क्रॉस करवाते हैं तो हमको जो नेक्स्ट जनरेशन मींस F1 जनरेशन मिलती है दैट आर सेम, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट क्रॉस था इसमें और जो सेकंड दैट इज रेसिप्रोकल क्रॉस इनमें जो F1 जनरेशन है दैट इज सेम, ठीक है। बट हमारा जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो रहा था इसमें क्या था, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हेरिटेंस जो हमने फर्स्ट क्रॉस करवाया दैट इज मेल एंड फीमेल के साथ, एंड जो हमको ऑफस्प्रिंग मिला, ठीक है, F1 जनरेशन, एंड फिर इनके जो कैरेक्टर थे इनको रिवर्स कराया, ठीक है, मींस रेसिप्रोकल क्रॉस किया, और जो हमको F1 हाइब्रिड मिला मींस जो हमको F1 जनरेशन मिली दोनों ही केस में दैट आर डिफरेंट, ठीक है। जो हमारा F1 जनरेशन है इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ये डिफरेंट है, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट एविडेंस था रेसिप्रोकल क्रॉस का, ओके, अब सेकंड जो एविडेंस है दैट इज मैटरनल इनहेरिटेंस, मैटरनल इनहेरिटेंस। देखो हमारा जो रेसिप्रोकल क्रॉस था, ठीक है, इसमें जो हमारा F1 हाइब्रिड आया, ठीक है, और ये जो F1 हाइब्रिड है दोनों डिफरेंट थे, ठीक है, बट जो हमारा ऑफस्प्रिंग मींस जो हमारी F1 जनरेशन जो कैरेक्टर शो कर रही थी दैट आर कैरेक्टर ऑफ फीमेल पेरेंट, ठीक है। ये जो कैरेक्टर है जो हमारा F1 जनरेशन में आ रहा है दैट इज फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स, जनरेशन फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स, फीमेल पेरेंट्स। ये बात समझ में आई कि जो हमारा F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल ऑब्टेन हो रहा था उसका करैक्टर सिमिलर टू फीमेल पेरेंट्स की सिमिलर था, नॉट मेल पेरेंट्स, ठीक है। जो हमारा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस होता है उसमें दोनों के करैक्टर मींस ट्रांसमिट होते हैं, बट ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हमारा जो करैक्टर ट्रांसमिट हो रहा है दैट इज मैटरनल, ठीक है। और ये कैसे हो रहा है, देखो हमारे जो एग होता है दैट कंटेन साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस, ठीक है, ये कंटेन करता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा, और जो हमारा स्पर्म होता है, ठीक है, इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, बट जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इज एब्सेंट, मटेरियल इज एब्सेंट इन स्पर्म, ठीक है। जो हमारा क्रॉस होगा, ठीक है, और जो हमारी प्रोजेनी ऑब्टेन होगी इसके पास क्या होगा, हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो दोनों का होगा, बट जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इज ऑब्टेन ओनली फ्रॉम फीमेल पेरेंट, ठीक है। यहां से ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का
एक कैरेक्टर आया कि जो हमारा मैटरनल पेरेंट है उससे ट्रांसमिट हो रहा है, जो हमारे मैटरनल पेरेंट है उससे कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स थ्रू दी साइटोप्लाज्मा। ठीक है, जो साइटोप्लाज्मा में जो कैरेक्टर प्रेजेंट है उनका ट्रांसमिशन हो रहा है टू दी नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए जो हमारे F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग आया दैट कंटेन सिमिलर कैरेक्टर टू दैट ऑफ दी फीमेल पेरेंट, एंड ये जो F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग आया वो फीमेल पेरेंट जैसा ही कैरेक्टर कंटेन कर रहा है। ठीक है, नोट जो हमारा फादर है उसके सिमिलर कैरेक्टर कंटेन नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट इज इनडिफरेंस ऑफ न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज इनडिफरेंस ऑफ न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशंस। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या कहा गया कि जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है, दैट कंटेन क्रोमोजोम। ठीक, और हमारे क्रोमोजोम पर क्या है, जीन प्रेजेंट है, दैट इज हमारे जीन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फिनोटाइप। ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यदि हम इन जीन को चेंज कर देते हैं विद अल्टरनेटिव, जो हमारे इस जीन के अल्टरनेटिव जीन होंगे उसके साथ चेंज कर देते हैं, अल्टरनेटिव जीन के साथ, तब भी हमारा जो फिनोटाइप चेंज नहीं होता, फिनोटाइप डजंट चेंज। इससे क्या होगा, यदि हमारा जो फिनोटाइप चेंज नहीं हो रहा, इट्स मीन जो हमारा इनहेरिटेंस है दैट इज नॉट क्रोमोजोमल। ठीक है, दैट इज साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, एंड लास्ट आता है हमारा नॉन सेग्रीगेशन और नॉन मेंडेलियन सेग्रीगेशन। फोर्थ एविडेंस इज नॉन सेग्रीगेशन एंड नॉन मेंडेलियन सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन जो होता है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस या न्यूक्लियर इनहेरिटेंस का करेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, बट इफ करेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं हो रहा, मीन्स हमारा जो इनहेरिटेंस हो रहा है दैट इज साइटोप्लाज्मिक। ओके, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, एग्जाम्पल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो एग्जाम्पल लेते हैं दैट इज फ्रॉम प्लांट। ठीक है, दैट इज मायराबिल जलापा, जलापा। ठीक है, एंड फोर ओ क्लॉक। ठीक है, ये एक प्लांट है और जिसमें फ्लोरिंग 4 o'clock में होती है, इसलिए इसका नाम दिया गया है 4 o'clock। ठीक है, मायराबिल जलापा ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को शो करता है, और कैसे शो करता है, जो प्लांट होता है इसके जो लीफ होते हैं थ्री टाइप के लीफ प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ग्रीन, येलो एंड वेरिएटेड, वेरिएटेड। ठीक है, ग्रीन जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, येलो जिनमें ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट, एंड वेरिएटेड जिनमें जो हमारा क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, जो तीनों ही पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इनका प्रोपोर्शन भी डिफरेंट होगा, मीन्स जो हमारा लीफ होगा उस पर कुछ पैचेस प्रेजेंट होंगे दैट आर वेरिएटेड,
ओके, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। कैसे? जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, ये हमारे प्लास्टिड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मीन्स हमारा जो साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं इनके जीन, जो हमारे प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया दे हैव देयर ओन डीएनए मटीरियल, ठीक है, दे आर सेमी ऑटोनोमस इन दे आर सेमी ऑटोनोमस, ठीक है, ऑटोनोमस, ओके। यदि हम एक फीमेल पेरेंट लेते हैं दैट इज ग्रीन, ठीक है, हमारी ग्रीन फीमेल पेरेंट की क्रॉसिंग करवाते हैं विद मेल पेरेंट विद एनी कलर, या ग्रीन येलो एंड वेरिएटेड, ठीक है, हम यहाँ पर येलो ले लेते हैं, जो हमको F1 जनरेशन ऑब्टेन होगी दैट इज ग्रीन, ठीक है। दिस शो दैट कि जो इनहेरिटेंस हो रहा है दैट इज साइटोप्लाज्मिक। यदि हम इनको रिवर्स कर देते हैं, यदि हम रेसिप्रोकल क्रॉस करवाते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस करवाते हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारी जो फीमेल होगी दैट इज येलो इन कलर, ठीक है, एंड जो मेल होगा दैट इज ग्रीन इन कलर, ठीक है, और हमको जो F1 जनरेशन ऑब्टेन होगी दैट इज येलो। दिस शो दैट करैक्टर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स, ठीक है, जो हमारी F1 हाइब्रिड F1 जो जनरेशन आएगी दैट इज ग्रीन इन कलर, मीन्स जो कलर सेम होगा टू फीमेल पेरेंट्स, ओके। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लेंगे दैट इज इन पैरामीशियम, ठीक है, जो हमारे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है दैट इज इन पैरामीशियम आल्सो, पैरामीशियम पैरामीशियम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, मीन्स इनके पास जो स्ट्रेन होती है दैट इज टू टाइप, एक स्ट्रेन होती है किलर एंड सेकेंड होती है सेंसिटिव, ओके। जो हमारी किलर स्ट्रेन होती है इसके पास जो न्यूक्लियर मटेरियल दैट इज मीन्स जिन हमारे होते हैं के एंड के, मीन्स जो जिन होते हैं डोमिनेंट के एंड के, और जो सेंसिटिव होते हैं दैट इज स्मॉल के एंड स्मॉल के, ठीक है। ये हमारे जो जीन प्रेजेंट होते हैं दैट इज इन न्यूक्लियस, ओके, बट हमारे साइटोप्लाज्मा में एक और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है दैट इज कप्पा पार्टिकल, ठीक है। यदि हमारे कप्पा पार्टिकल प्रेजेंट है विद के, मीन्स जो हमारे डोमिनेंट जीन के साथ कप्पा पार्टिकल प्रेजेंट है, तो हमारी जो स्ट्रेन होगी दैट इज किलर, ठीक है, और ये स्ट्रेन क्या करेगी, एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेगी दैट इज पैरामीशियम। ये जो हमारी किलर स्ट्रेन होगी ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेगी दैट इज पैरामीशियम, ठीक है, और जो हमारी सेंसिटिव होगी स्ट्रेन उसके पास रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, ठीक है, एंड इसके साइटोप्लाज्मा में कप्पा पार्टिकल एब्सेंट है, ठीक है, इसलिए ये स्ट्रेन हमारी जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो रिलीज नहीं करेगी, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस इज नॉट रिलीज हेयर बट रिलीज हेयर, ओके। हमारे जो पैरामीशियम होता है इनमें जो रिप्रोडक्शन टाइप होती है दैट इज सेक्सुअल, दैट इज नॉट एडवांस टाइप, इट इज प्रिमिटिव टाइप, ठीक है, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें दैट इज प्रिमिटिव टाइप, दैट इज कॉन्जुकेशन, ठीक है, कॉन्जुकेशंस मीन्स हमारे जो दो पैरामीशियम स्ट्रेन होंगी वो एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से कॉन्जुकेट होंगी, ठीक है, अपने मटेरियल्स को एक्सचेंज करेगी, ठीक है, लाइक दिस। जो हमारे दो पैरामीशियम होंगे वो एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंस से कॉन्जुकेट होंगे और अपने साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, दैट इज कॉन्जुकेशन, ओके। अब हम इनके क्रॉस देखते हैं, ठीक है, हमारे पास दो पैरामीशियम है, एक है किलर स्ट्रेन से एंड सेकंड इज सेंसिटिव,
ठीक है, हमारा ये जो पैरामीशियम है दैट इज फ्रॉम किलर स्टेन, ठीक है, एंड जो सेकंड है दैट इज फ्रॉम सेंसिटिव. इसके पास जो हमारा जीनोटाइप है दैट इज स्मॉल के एंड स्मॉल के इन दी न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके पास जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल है दैट इज कैपिटल के, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक बिट भी प्रेजेंट है दैट इज कप्पा पार्टिकल, और यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक बिट एब्सेंट है, ठीक है. हमारी जो रिप्रोडक्शन होगा मीन्स इनका क्या होगा, कॉन्जुकेशन, ठीक है, दोनों पास आएंगे एंड कॉन्जुकेशन से अपने मटेरियल को एक्सचेंज करेंगी, ठीक है. इसमें क्या होगा, हम ओनली शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए, ठीक है, कॉन्जुकेशन करते हैं, ठीक, मीन्स हम जो कॉन्जुकेशन करवाएंगे दैट इज ऑफ नॉट लॉन्ग ड्यूरेशन, इट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, मीन्स मैक्सिमम ऑफ 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट का हम मैक्सिमम टाइम के लिए कॉन्जुकेशन करवाते हैं. इस टाइम पर क्या होगा, ओनली जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल दैट इज एक्सचेंज, ठीक है, तो हमारे जो एक्स कॉन्जुकेशन होगा मीन्स इनका कॉन्जुकेशन सेपरेट होगा, तो हमको जो जनरेशन मिलेगी दैट इज दैट कंटेन बोथ, मीन्स एक कैपिटल के एंड सेकेंड इज स्मॉल के एंड दैट आल्सो कंटेन कैपिटल के एंड स्मॉल के, ठीक है, मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज हो चुका, बट जो हमें स्ट्रेन ऑब्टेन हुई है दैट इज फर्स्ट इज किलर, ठीक है, ये किलर है एंड ये है क्या सेंसिटिव, ठीक है. ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो साइटोप्लाज्म एक्सचेंज नहीं हुआ, ओनली स्मॉल ड्यूरेशंस में ओनली न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है. ये क्या एविडेंस करता है कि यस हमारा जो ट्रांसमिशन है करेक्टर्स का ये साइटोप्लाज्मिक है, इसमें क्या है साइटोप्लाज्मिक है, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है, ठीक है. जो हमको स्ट्रेन मिल रही है दैट इज किलर एंड सेंसिटिव, ठीक है, मीन्स यहाँ पर स्ट्रेन का एक्सचेंज नहीं हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज, ठीक है. और यहाँ पर इनसे जो गैमेट मिलेगी, ठीक है, दैट इज किलर किलर, ठीक है, एंड दैट इज आल्सो किलर, ठीक है, बट इनसे जो गैमेट मिलेगी दैट इज सेंसिटिव सेंसिटिव एंड सेंसिटिव सेंसिटिव, ठीक है. बट हम जो सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसका ही, उसमें हम जो कॉन्जुकेशन करवाएंगे दैट इज इन ये स्टेप, ठीक है, यहाँ पर क्या था शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, और यहाँ पर जो कॉन्जुकेशन होगा दैट इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन मीन्स मोर देन 3 मिनट, लॉन्ग ड्यूर 3 मिनट, और इस टाइम पर क्या होगा, जो हमारा मटेरियल्स का एक्सचेंज होगा मीन्स हमारा यहाँ पर साइटोप्लाज्मा का एक्सचेंज होगा विद कप्पा पार्टिकल, जो हमारी जिन थे उसके साथ साथ हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल था साइटोप्लाज्मिक मटेरियल दैट इज कप्पा पार्टिकल आल्सो एक्सचेंज, ठीक है. तो जो हमें नेक्स्ट जनरेशन में मीन्स एक्स कॉन्जुकेशंस के बाद, कॉन्जुकेशन के बाद, ठीक है, जो हमको इंडिविजुअल मिलेगा मीन्स हमको दो इंडिविजुअल मिलेंगे, ठीक है, वन विद स्ट्रेन जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल है दैट इज एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, दैट इज के एंड कप्पा पार्टिकल, सेकंड आल्सो विद कप्पा पार्टिकल एंड के एंड की स्मॉल के, ठीक है. अब जो ऑटोगैमी से हमारे जो गैमेट मिलेंगी दैट इज वन विद के एंड कप्पा पार्टिकल, ठीक है, ये स्ट्रेन क्या बनेगी किलर, ठीक है, जो कप्पा पार्टिकल के साथ होगी, ठीक है, और सेकंड होगी के एंड के मीन्स दोनों ही स्मॉल है रिसेसिव है, ठीक है, और जो साइटोप्लाज्मा में कप्पा पार्टिकल प्रेजेंट है बट ऑर्गेनिज्म है वो हमारा क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साइटोप्लाज्मा में कप्पा पार्टिकल तो प्रेजेंट है बट जो न्यूक्लियस में जो डोमिनेंट के होना था वो नहीं, यहाँ पर तो हमारे जो इंडिविजुअल आएगा दैट इज सेंसिटिव, ठीक है.
सेकेंड में क्या होगा, ये हमारा जो के वाला आएगा दैट इज किलर, ठीक है, और यहाँ पर कप्पा पार्टिकल भी प्रेजेंट है, ठीक है, बट जो सेकेंड केस है दैट इज के स्मॉल के एंड स्मॉल के, ठीक है, यहाँ पर कप्पा पार्टिकल प्रेजेंट है बट जो हमारे जिन है दैट इज रिसेसिव, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होगा, हमारी किलर स्ट्रेन नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी हमारी सेंसिटिव स्ट्रेन, ठीक है। ओके, ये जो हमारा इंडिविजुअल होगा दैट इज किलर, ठीक है, ये होगा दैट इज सेंसिटिव, ठीक है, ये होगा दैट इज किलर, क्योंकि यहाँ पर कप्पा पार्टिकल भी प्रेजेंट है एंड जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल में डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, और यहाँ पर हमारी कप्पा पार्टिकल तो प्रेजेंट है बट जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसमें रिसेसिव जीन प्रेजेंट है। ओके, जो हमारा पैरामीशियम है इसमें जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की डिस्कवरी करी थी वो था T.M. सोनेबोर्न, ठीक है, सोनेबोर्न, ठीक है, इन 1943 ये जो डिस्कवरी की थी ये T.M. सोनेबोर्न ने की थी, ठीक है, दैट इज इन पी पैरामीशियम ओरिला, ठीक है, पी ओरिला, जो हमारा जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हो रहा है दैट इज पैरामीशिन, ठीक है, पैरामीशिन ये क्या है, एक वाटर सोल्यूबल टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है।